फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11, पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर, द टेबल बिलो गिव्स द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। हमें यहाँ पे इस टेबल में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों टाइप्स की फॉर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या है, आई मी माई, और प्लूरल क्या है, वी अस आवर्स, एंड सेकेंड पर्सन यू यूअर्स यू यूअर सेम, थर्ड पर्सन ही हिम हिज शी हर हर्स इट, एंड द प्लूरल वन दे देम देयर। जो ये वाले वो हमारे सिंगुलर्स हैं और ये वाले हमारे प्लूरल वर्ब्स हैं। फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट यू एंड यूअर्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इस टेबल में हमें क्लियर ये दिया गया है कि यू यूअर्स बोथ में यूज किया जा सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जेंडर, आई मी माई वी अस आवर्स यू यूअर्स बोथ मस्कुलाइंस एंड फीमेनी, ही हिम हिज शी हर हर्स इट दे देम देयर्स, मैस्कुलिनी फीमेनीज न्यूट्रल बट ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एनिमल्स एंड जेंडर्स। ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, दोनों चीज़ों के लिए, बोथ हैं ये। केस क्या होता है हमारा, आई वोई यू ही सी इफ दे इफ इट दे आई रिस्पेक्ट द टीचर्स यूज एज सब्जेक्ट। आई इसमें क्या किया गया है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया, शी रिस्पेक्टस हर पेरेंट्स, मी आस यू हिम हर इट दैम माई पेरेंट्स लव मी माइन अवर यूअर्स हीज हर्स देयर्स दिस इज फाइल इज माइन used as object, his parents love him। इसमें क्या किया गया, him को object की साइड पे use किया गया, used to show possession। possessive cases में क्या होता है, these files are ours, इसमें क्या है, ours। so these are our singular plural nouns, numbers and personal pronouns। let's start the exercise। हमारे एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई वोए आस मी माइन और अवर्स एंड रीड देम अलाउड। इसमें हमने क्या फिल करना है, ये सूटेबल कौन सी हमें सूट करता है वो प्रोनाउन यूज करना है इस ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट वन इज लाइक टी इन द इवनिंग, आई लाइक टी इन द इवनिंग, सो हियर वी यूज द आई। जॉन हेल्पर डैश टू कम्प्लीट द असाइनमेंट, जॉन ने किसकी हेल्प की, मी मीन्स मेरी। आई वॉन्ट अ मोटर बाइक इन अ लकी ड्रॉ, द व्हीकल इज नाउ डैश। इसमें क्या हुआ, उसने मोटर बाइक लकी ड्रॉ में वॉन की थी और जब अब व्हीकल किसका हुआ, उसका खुद का, तो दैट इज माइन। डैश वेंट होम विद गोविंद, तो किसके साथ गए थे, वो एंथनी ड्रॉव डैश टू द इंडिया गेट, तो एंथनी ने ड्रॉप किया था उनको अस। वी वुड लाइक टू हैव अ स्पेस विद द कम्प्लीटली आवर्स, आई लाइक टू जॉग इन द मॉर्निंग आवर्स। वी वुड लाइक टू मीट शरीन, शी इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद यू और यूअर्स, इसमें हमें क्या यूज़ करना है, यू एंड यूअर्स। यू एंड यूअर्स क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होते हैं। यू आर फॉर्मली इन्वाइटेड टू द कल्चरल इवेंट, My membership for fitness club has expired. Can I ask for yours? Did you get hit by the speeding vehicle? The priest wants you in the church today. I will carry my mother's luggage. You must carry yours. The government honored you with the scholarship. It is now yours. I missed the address on the phone call. Can you say it again, please? Is this appealing pair of mammoths yours? Did you cook for us today? Unfortunately, my creativity is not as quick as yours. You should take your prescriptions drugs regularly. तो हमने यहाँ पे यू एंड यूअर्स बोथ यूज़ किए हैं, ये बोथ सिंगुलर वर्ड्स के भी यूज किए जा सकते हैं और प्लूरल के लिए भी। Change the highlighted pronouns into plurals. Now rewrite the sentences by making the necessary changes. हमें क्या करना है, जो इसमें हाईलाइट किया गया उनको चेंज करना है pronouns के साथ, plural pronoun के साथ, और हमें वो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं if possible है तो। Don't be rude to me. तो हमने की जगह पे क्या कर दिया, us.
आई वुड लाइक सम वाटर, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, प्रनाउंस प्लूरल्स चेंज करनी है. तो वी वुड लाइक सम वाटर. डिड यू फॉरगेट समथिंग, तो हमने क्या कर दिया, यू को सेम रहने दिया क्योंकि वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है प्लूरल में भी. ही वुड शेयर हिज केक विद मी, दे वुड शेयर. बी केयरफुल, यू मे हर्ट योर सेल्फ, तो यू को सेम ही रहना. बी केयरफुल, यू मे हर्ट योर सेल्फ, दिस इज़ अ सेम सेंटेंस, वी डिड नॉट चेंज एनीथिंग. आई लाइक द वे शी स्पीक फ्रेंच, स्पीक्स फ्रेंच. तो नाउ आई लाइक द वे सेम दे स्पीक फ्रेंच, तो हमने इसकी एस को कट कर दिया. आर वी गोइंग टू द लेक विद हिम, तो हमने इसमें क्या किया, आर वी गोइंग टू द लेक विद डैम. आई एम फ्रेंड्स विद हिम, तो हम आई एम को किसने यूज चेंज कर दिया, वी एम को आर के साथ. दीज कुकीज डू नॉट बिलोंगिंग टू हिम, दे आर माइन, तो इसमें हमने क्या चेंज करना है, हिम को डैम के साथ चेंज कर दिया. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, तो यू हियर वी कैन यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल्सो, सो दिस इज अ यू आर द सेम. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रनाउंस, जो हमारे पर्सनल प्रनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई वी माई वी मी माइन, दीज वंस आर. सो रिलैक्सड ऑन द काउच, आई आर वॉचिंग हॉरर फिल्म्स टू नाइट, हेयर दे यूज आर, सो वी विल यूज हेयर वी आर वॉचिंग हॉरर फिल्म्स. आर यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ही इज पुटिंग द क्वेश्चन मार्क. ही गॉट अ कॉल सो ही इज लिविंग फॉर होम. दे आर प्लेइंग रग्बी इन द रेन शॉवर, इट इज इन अ ब्राइट एंड सनी डे टूडे. वे आर स्पीकिंग स्पेनिश बिफोर इंग्लिश नेटिव. इज डैश योर फर्स्ट कजन, इज ही. यू आर प्लेइंग ऑन द स्विंग, आर दे एंड यू बोथ वी कैन यूज हियर इन टू फिल्म प्रोडक्शन. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द प्रनाउंस, जेंडर्स एंड केस, ऑल्सो नंबर्स. तो हमारे जो प्रनाउंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई मी माइन यू यूअर्स ही हिम हिज शी हर हर्स वी अस अवर्स देम एंड दे देयर्स, ऑल्सो दीज आर अवर प्रनाउंस. सो यू ऑल नो कि वेयर वी यूज द प्रनाउंस बिकॉज वी रीड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस असाइनमेंट. Thank you. Have a good day.